अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लंदन परवास रोक दी गई। एफआईए ने नाम ब्लैकलिस्ट में होने के बायस दोहा जाने वाली परवास से ऑफलोड कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सफर की इजाजत दी है। शहबाज शरीफ की एफआईए अहलकारों से गुफ्तगू, इमिग्रेशन सिस्टम पर क्लियरेंस अपडेट होने तक आप बाहर नहीं जा सकते। एफआईए अहलकारों का जवाब। शहबाज शरीफ को रोकने पर मरियम औरंगजेब की हुक्म पर तनकीद, कहा कि इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर शहबाज शरीफ को रोका गया, ये तौहीन अदालत है। अता तारिक बोले, जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैकलिस्ट से कैसे निकला था सबने देखा, शहबाज शरीफ को रोकना ऊंचा हथकंडा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मफाहमत की 5 यादाश्तों पर दस्तखत, सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का कयाम, मनुष्यात स्मगलिंग की रोकथाम, तवानाई आबी वसाइल के मंसूबों में सरमायाकारी की यादाश्तें शामिल। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। सऊदी वली अहद का वजीर आजम के एजाज में इशारिया। वजीर खारजा शाह महमूद सऊदी हमनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात, तजारत सरमाकारी तवानाई समय दो तरफा तावुन बढ़ाने पर गुफ्तगू। शाह महमूद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वजीर आजम की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम मुलाकात हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान को $500 मिलियन देगा। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। एम्फिलोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के लिए बड़ा रिलीफ, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के फैसले के खिलाफ ताहुक्म सानी अमन दरामद रोक दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना की मौजूदा लहर में पैथोलॉजिस्ट की अशद जरूरत है, एमफिल पैथोलॉजिस्ट को रजिस्टर्ड ना करने का क्या जवाब है, फरीकैन को नोटिस जवाब तलब। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 120 जाने ले गया, एक दिन में 4109 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही, सेहत याब अफराद की तादाद 7,52,000 से बढ़ गई। अमरीका ईरान के दरमियान बराह रास्त मुजाकरात का 4th दौर आज शुरू होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुजाकरात ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में होंगे। मुजाकरात में ईरान एटमी मुआहदे पर फिर गौर किया जाएगा।